पंजाब के लुधियाना में आज उस समय सनसनी फैल गई जब लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में दो गुटों में झड़प हो गई और फिर पथराव हुआ। दरअसल ये झड़प दो बच्चों को लेकर शुरू हुई थी। दो बच्चों की आपस की लड़ाई को लेकर ये झड़प दो परिवारों में शुरू हो गई और उसके बाद दो समुदायों में बढ़ गई, जिसके बाद ग्यासपुरा इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि इस झड़प में दो व्यक्ति को चोट लगी है और चोट लगने का कारण झड़प में हुआ पथराव है। इस बात की जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश जारी कर दी है। इलाके में तनाव अभी भी बरकरार है। पता नहीं अभी तक, तो मैं अभी आया हूँ, देख रहा हूँ क्या मसला क्या है। एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि मेरे को अभी जो पता चला है, रात दो परिवारों का आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, कुछ बच्चों को लेकर। पहले बच्चों का क्लैश था, उससे परिवारों का हो गया, उससे बरादरी का बन गया। अभी तो ये लग रहा है, नहीं अभी पता लग रहा है हिंदू मुसलमान का भी सिस्टम। नहीं वो कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान का भी कुछ नहीं है। हाँ पथराव भी हुआ है आपस में, लोगों ने उधर कुछ लोग रहते हैं कुछ इधर रहते हैं, इन्होंने पथराव भी किया है। चोटें आई हैं किसी को? नहीं अभी तक पता नहीं चला, शायद किसी एक को चोट आई है ये पता लगा।